हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है प्रीत भाई रिएक्ट साडे व्यूअर्स, तुहानू बहुत बहुत वेलकम, खुशां दी स्वागत है जी आया नू। बिल्कुल जी, ते अज साडी जड़ी वीडियो हैगी है, असी चले हां पाकिस्तान दी जर्नी दे विच, ते एक प्यारी जी कुड़ी है जी जिहदा नाम है जो, ते ट्रैवल विद जो उहनां दे चैनल दा नाम है जी, ते इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी रेलवे वाघा बॉर्डर टू पंजा साहिब वाया लाहौर। ते जो है वो पाकिस्तान दे विच ट्रेन जर्नी करन लगे ने, ते सानू दिखाण लगे ने, असीं तुहाडे नाल रल मिल के देखांगे। ते जिहड़े जिहड़े लोग पाकिस्तान ऑलरेडी घूम चुके ने जी, साडे नाल आओ, मैमरीज रिवाइव करदे आ, जिहड़े कदे वी नहीं गए साडे वांगू, जाके देखदे आ सड़कां किद्दां दा लाहौर है, ते जिहड़े पाकिस्तान ही रहिंदे ने बट ओवरसीज अपने शहरां च नहीं जा सकदे, घरां च नहीं जा सकदे, आओ तुहाडी गलियां देखिए, ते स्टार्ट करिए, ते दूजे पासे मिलदे आ। वेलकम टू लाहौर। 2750 रुपए की टिकट है। 2750 समझौता एक्सप्रेस, पंजाबियों दी शान, लाहौर का ड्रोन व्यू, लाहौर पुलिस पलारी आज चाहे अलग दे, लाहौर दिया जिस हिसाब नस दी अलग दी पंजाब दिया। वेलकम टू पाकिस्तान रेल, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जो और मैं आ चुकी हूं पाकिस्तान में। फिलहाल हम यहां पे पहुंचे हैं वाघा बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही, छोटा सा ये गांव है वाघा, जहां पे हमें लेके आए हैं वाघा स्टेशन पर। तो आज की हमारी जर्नी होगी पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर की इकोनॉमी क्लास ट्रेन में, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रेन जर्नी में। लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया इमिग्रेशन कैसे हमने क्लियर किया और करेंसी एक्सचेंज और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम जा रहे हैं ट्रेन के लिए। बारिश आने से ना मौसम तो एकदम सुहावना हो गया है, वरना इतनी गर्मी थी सोचा नहीं था कि आज हमारा बैसाखी पे आना इतना सफल हो जाएगा। मज़ा आ गया यार। यहाँ पे जितने भी यात्री थे पैसेंजर्स, उन सबको ड्रॉप कर दिया है और इतनी झमाझम तेज बारिश भी शुरू हो गई है। अपना लगेज वहाँ से निकाल रहे हैं, यात्रियों को इनमें लेके आया है बसेस में। बसेस तो काफ़ी बढ़िया थी, एसी वाली, नीट एंड क्लीन, और पीछे देखो ट्रेन लगी हुई है हमारी जिसमें हम जाएंगे इकोनॉमिक क्लास, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्लास ट्रेन ग्रीन कलर में। इस टाइप की यहाँ पे ना बग्गी होती है, चिंची चिंची है चिंची। और बारिश बारिश का लुत्फ उठा रहे हो आज तो, इस टाइम का माहौल है यहाँ का, बारिश आ गई है फुल तेज। ये है वाघा स्टेशन जहाँ पे पहुंची है हमारी ट्रेन भी, देखो सामने से आ रही है, जल्दी से वो ट्रेन आए, इससे पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कर ले, ऊपर रख दो प्लीज लगेज को। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस उतने रख दो। ये आगे जी ट्रेन, आगे जी आगे, चलो बस जी बस इतने रख दो जी। शुक्रिया जी तुम्हारा बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। कुली की व्यवस्था तो आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगी, तो जो भी यात्री आ रहे हैं ना उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। कि आ रही है ट्रेन, यहाँ पे डीजल इंजन है, डीजल ट्रेन है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो नहीं है। देखो सिक्योरिटी जो है ना ऊपर भी तैनात है, सिक्योरिटी की नजर आपके ऊपर हर जगह से है। देख लीजिए ट्रेन और मौसम और ग्रीनरी भी काफी अच्छी मिली है यहाँ देखने को। यहाँ पे ऐसा है ग्रीन कलर का ट्रेन लुक। वाघा पे इमिग्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं और जा रहे हैं हम ट्रेन के टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर्स उधर आगे हैं बताया है इन्होंने जैसा कि। तो ये देखिए, ये है रिजर्वेशन काउंटर पाकिस्तान रेलवे का। यहाँ तो अभी लंच हुआ है, टिकट यही मिलेगी ट्रेन की, वहाँ से मिलेगी रिजर्वेशन यहाँ। अच्छा, टिकट वहाँ से रिजर्वेशन, ओके शुक्रिया। तो यहाँ से मिल रही है हमें टिकट, टिकट ट्रेन के रिजर्वेशन के लिए, और उधर चलते हैं, वो रिजर्वेशन शायद सीट का है, मे बी, लेट्स सी क्या होगा। दे रहे हैं कि यहाँ पे टिकट, टिकट टिकट कितने की है, दो टिकट लानी पड़ेगी, 2750। हाँ जी लीजिए, राउंड फेयर है ना, राउंड
तो ये हमें मिल चुकी है टिकट 9,750 रुपए की टिकट है वाया बागा। टिकट तो ये रही रिजर्वेशन करोगे तो नाम की है सबसे अच्छी बात कहना यहाँ पे ना मैंने देखा फीमेल स्टाफ है जो रिजर्वेशन काउंटर पे बैठा है जो कि काफी अमेजिंग बात लग रही है। लंगर के पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, देखो बड़ी बड़ी हांडियों में यहाँ लंगर तैयार किया गया है। सुबह से देखो निकले थे कुछ भी नहीं खाया था, फाइनली हमें नसीब हुआ यहाँ पे लंगर दाल चावल ते नाल है ये आलू मटर की सब्जी तो आपको ये दिख रहा है। ये है समझौता एक्सप्रेस जो कि लॉकडाउन से पहले चलती थी, लॉकडाउन तो पहले चलती थी। और इधर देखो यहाँ पे बन रहा है खाना। आज तक इंडियन ट्रेन में तो बहुत बार सफर किया है, आज हम करेंगे पाकिस्तानी ट्रेन में सफर। दूसरी तरफ आपको जो खड़ी हुई ट्रेन थी वो दिखाई समझौता एक्सप्रेस जो कि कोविड से पहले चला करती थी दिल्ली से लाहौर के बीच, परंतु अब वो बंद हो चुकी है। और यात्रियों के लिए यहाँ पे ये स्पेशल ट्रेन है जिसके थ्रू वाघा रेलवे स्टेशन से पंजा साहिब तक लेके जाया जाएगा। तो ये स्पेशल ट्रेन है जो चलाई गई है। कैसा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का देखने का? हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया लगा, एक्सपेक्ट की थी ट्रेन इदा दी सर्विस बहुत वधिया दिंदी रेलवे जी ना अगे दिंदे बसां बसां विच यात्रु बहुत खराब हुंदे ही एरकी ना रेल देखी है बहुत वधिया बात है। पहले कह रहे हैं कि पहले बसेस वगैरह में ही ट्रैवल करवाया जाता था, तो अब पहली बार ये चांस मिला है हमें ट्रेन से सफर करने का। पहले भी थी पंजा साहिब तक? हाँ, पंजा साहिब सारे रेल जाती थी, इंडिया से जाती थी जी, वो बिफोर लॉकडाउन है ना। अब दोबारा से ये स्टार्ट हुई है स्पेशल ट्रेन। चलिए जी अब चलते हैं हम अपने कोच की तरफ। तो हमें जो सीट अलॉट हुई है वो है ये 3rd नंबर कोच में। टिकट चेक करा? अच्छा, 3 में ही है ना? यही है 3 नंबर, चौक से लिखा हुआ है। ये देखिए लोगो, लगेज काफी वेटेड है तो हेल्प कर दी, शुक्रिया जी। बीइंग अ लेडी बड़ी हेल्पफुल। चलो जी अंदर ट्रेन का आपको दिखाते हैं लुक। पैसेंजर्स ने तो अपनी यहाँ सीट रोक ली है ऑलरेडी। और देखो ऐसे मतलब 3 tier है, लोअर मिडल अपर। नंबर हमारा कौन सा दिखना होगा? तो ये हमें सीट मिली है 49 नंबर, 49, 50, 51, 52। ये 4 पैसेंजर को अलॉट की गई है, वैसे है तो 3 पैसेंजर के लिए बट 4 को तो मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि अपर बर्थ पे के मिडल बर्थ पे के लोअर बर्थ पे कौन से बर्थ पे 2 पैसेंजर को एडजस्ट किया जाएगा। जैसे मर्जी बैठ जाओ, सब अपना ही है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए महिला पुलिस भी तैनात है। सलाम जी, सलाम वालेकुम, और सब खैरियत से? ये दोनों बेटियां मेरी। आपकी बेटियां? हाँ, ये बड़ी बेटी। वो छोटी है। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा। आपका गुड नेम? ओके, सबसे अच्छी बात क्या है ना यहाँ पे मतलब फीमेल स्टाफ देखने को मिला, इवन अंदर भी टिकट रिजर्वेशन पे और यहाँ भी। और लास्ट में इधर है पावर वैन। टोटल जो है 12 कोचेस है, 11 कोचेस तक पैसेंजर्स आएंगे और नेक्स्ट लास्ट कोच है वो पावर वैन है। और देखो उधर खड़ी है हमारी समझौता एक्सप्रेस जो कि एकदम बंद है, सीज की गई है उस साइड। उर्दू में ये क्या लिखा हुआ है? स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान रेलवे। शाम के अभी बच चुके हैं 5:30 और हमारी ट्रेन यहाँ से फाइनली ग्रीन सिग्नल मिल चुका है ट्रेन का और यहाँ से निकलने को रवाना होने को तैयार है। और मतलब आज है ना मौसम की बात की जाए ना तो काफी मौसम ने साथ दिया, वरना उम्मीद नहीं थी 13 अप्रैल को इतनी ज्यादा गर्मी होती है, बारिश ना होती तो बस आज मर ही गए होते। 5:30 PM ट्रेन रवाना हो रही है वाघा रेलवे स्टेशन से। कितना टाइम लगता है अभी? अभी देखेंगे, नॉलेज मिल रही है, अच्छी गल। और क्या क्या देखने मिलेगा वो भी देखते हैं। वो भी देखते हैं। बाय बाय वाघा पाकिस्तान। बाय वाघा। बाय बाय पाकिस्तान पुलिस। बड़ा वेलकमिंग नेचर पुलिस वाले। मैं तो यार ना पीछे सेटअप में के जड़ा शामियाना बनने हो यार। पूरी भाई वेलकम की गई है जेड़े इंडिया तो आ रहे हैं, वो साखी ने तो लाख लाख वेलकम। क्या बात है,
यहाँ पे मोस्टली ऑफिशियल्स हैं, आर्मी से, पुलिस से, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, सब सिक्योरिटी तैनात है। वीडियो बनाने की कोई मनाही नहीं है फिर भी, है ना? कितनी अच्छी गल है, क्योंकि आर्मी वगैरह खड़ी है, कई बार ये मना कर देते हैं। नहीं, वो तो बड़े अच्छे होते हैं। मैं मना करता थी इंडिया, मैं स्टेशन ही बना रहा था, मैंने रोकता थी। सत श्री अकाल जी, ये पाकिस्तान दे रहे हैं। खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। मीडिया भी है यहाँ पर, फुल कवरेज हो रही है भाई साहब, फुल कवरेज। सलाम। अखबार नहीं करना, चल दी ट्रेन जो। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। पैन ही नजर है पूरी सिक्योरिटी। सो यू कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। Look at the stunning curve. Very nice. अच्छा, कितनी स्लोली, कितने हौली जा रही है ट्रेन, है ना? क्योंकि अजय निकली नहीं है, पूरा उन्होंने दिखाया कि भी हाँ, व्यू देखो, एंजॉय करो। जब तक पेस नहीं पकड़ती ट्रेन, मतलब स्पीड भी बढ़ लगे, अच्छी नजारे लोग हैं, स्पीड भी बढ़ लगे, पहुंच जाएंगे। ट्रैक साउंड कैसी अजीब है थोड़ी। जब ट्रेन स्लो होती तब ऐसी आती, जब रुकती भी तब भी ऐसी साउंड आती है। थोड़ी ट्रेन पुरानी है ना, तो वही जंजीरान की आवाज है, ट्रैक ठीक है। हाँ, ये ही है ट्रैक। देसी टाइप की गोल्फ कार है। ट्रेन की स्पेशल वीडियो बनाते हुए। यार ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯਾਰ। ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ पाकिस्तान ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਭੀ ਸਭ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਜੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੜੇ ਬਣਾ ਗਏ। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो बाई ना कर रहा हो। लाहौर 15 किलोमीटर। क्रेजी ये ताश खेल रहे हैं इधर। पाकिस्तान ये क्रेजीनेस है यार, इंडिया की जब ट्रेन आती है
ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾ ਜੱਲੋ 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 ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ भाई सेलिब्रेशन है तो देखिए इन्होंने क्रॉस तो नहीं करना देखो दूसरी तरफ गाड़ी की लाइन ट्रेन को देखने के लिए सब एक बार के लिए रुके हैं ना ट्रेन का हमारी अभी टिकट चेक ठीक है जी शुक्रिया अंदर की चल रहे हो तो दिखाओ और पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा खुश हो गई इंडियन लोगों की ट्रेन को देखकर दिल से सत्कार आदर मान सम्मान दे रहे हैं सब बाय कर रहे हैं फाइनली 30 किलोमीटर दूर इंडिया के बॉर्डर से हम पहुंच चुके हैं लाहौर पाकिस्तान के लाहौर में शाम को 6 बजे के आसपास ट्रेन पहुंची है सनसेट देखो बहुत ही प्यारा सनसेट और इधर सब ट्रेन जो है ना बहुत ही बुरे हाल में है खंडर हो चुकी है आई थिंक पाकिस्तान में भी और बहुत सारी ट्रेन जानी चाहिए वेलकम वेलकम कर रहे हैं वेलकम टू पाकिस्तान लाहौर में आप से वो हाईवे है आई थिंक लाहौर और वाघा बॉर्डर को कनेक्ट करता हुआ वेलकम टू लाहौर लाहौर में आपका असि वीडियो नु इथे खत्म करदे हां जी गाइस क्योंकि ये वीडियो दा हाफ पार्ट पूरा हो चुका थैंक यू सो मच जी जो जी असि तुहाडी वीडियो यूज कीती है ते थैंक यू सो मच तुसी परमिशन ते खैर असि नहीं ली असि एदे रैंडम बनाती पर जे तुसी साडी वीडियो देखो प्लीज जरूर अपना प्यार दियो तुसी बहुत सोहनी वीडियो बनाई है बहुत सोहनी कवरेज दी है मतलब मैं लिटरली ऐ लग रहा कि मैं उत्थे ही खड़ के लिटरली वो ट्रेन की जर्नी कर रहा तो लोग मैनू बाय कर रहे हैं क्योंकि मैं इधर ओवरवेलम हो रहा मेरी अखां अथरू आ गए थे इट वॉज अमेजिंग लोगों का इन्ना प्यार वो मजाक नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਲੌਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗਰ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਲੌਗ ਦਾ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਕਾਊਂਟਸ ਦ ਮੋਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਛਾਪ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ, ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਗਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੱਲੋ 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 ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਜੱਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।